सो गाइज, अगर आपने भी मन बना लिया है 70,000 में किसी फ्लैगशिप फोन को लेने का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने 70,000 के बजट में आने वाले कुछ लेटेस्ट और बेस्ट फोन्स को रखा है, जिनमें आपको कैमरे की क्वालिटी तगड़ी मिल जाएगी, जिससे अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज चाहिए या आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा इन फोन में आपको क्वालकॉम और मीडियाटेक की फ्लैगशिप सीरीज के प्रोसेसर मिल जाएंगे, तो इनमें आपको परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन। गाइस, अगर आपको कोई ऐसा फोन लेना हो जिसमें आपको टाइम टू टाइम एंड्रॉइड अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट मिल जाए, या आपको तगड़े तगड़े फीचर्स के साथ स्टॉक एंड्रॉइड के मजे लेने, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। तो इसके स्पेक्स की बात करें, तो इस फोन में मिल जाता है गूगल का फ्लैगशिप चिपसेट गूगल टेंसर G3, जिसमें आप कोई भी काम करें फोन बिल्कुल स्मूथली चलने वाला है। इसके अलावा इस फोन में सिक्योरिटी पर्पस से एक टाइटन M2 चिप का भी यूज किया गया है, जिसमें एक सिक्योरिटी लेयर के जैसे काम करती है। इसके कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 10.5 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में आपको 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें, तो ये फोन 6.2 इंचेस की OLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 2000 निट्स की मिल जाती है, और ये फोन IP68 की रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। बैटरी की बात करें, तो इसमें 4575mAh की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग ये फोन 27W की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 75,000 में मिल जाता है, जो कि बैंक ऑफर के साथ आपको 70,000 में भी मिल जाएगा। सो अगला फोन है नंबर 4 पर सैमसंग गैलेक्सी S23 स्मार्टफोन। गाइस, अगर आपका बजट 80,000 तक जाता है, तो आप गैलेक्सी S24 को ही लेना, क्योंकि ये सैमसंग का लेटेस्ट और काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आप अंडर 70,000 में किसी सैमसंग के फोन को देख रहे हैं, तो आप गैलेक्सी S23 को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम का पावरफुल चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, और ये प्रोसेसर भी क्वालकॉम के फ्लैगशिप प्रोसेसर में से है। इसके कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में आपको अल्ट्रा एचडी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाती है, जो काफी अच्छा आउटपुट लेके आती है, और फ्रंट कैमरे इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है, और ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आता है। इसके डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें 6.1 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें कलर कॉन्ट्रास्ट और डिटेलिंग काफी क्लियर मिलती है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, और इसमें 1750 nits की ब्राइटनेस मिलती है। बैटरी एफिसिएंसी की बात करें, तो ये फोन 3900mAh की बैटरी के साथ आता है, और चार्जिंग इसमें 25W की मिलती है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, और ये फोन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए काफी अच्छा है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं, तो ये फोन आपको 70,000 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है OnePlus 12 स्मार्टफोन। गाइस, OnePlus का ये फोन इस बजट का एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जिसमें आपको सारे फीचर्स एक बैलेंस के साथ मिलते हैं, और ये बजट के अकॉर्डिंग वैल्यू भी तगड़ी प्रोवाइड करता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम का पावरफुल चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जिसमें आप हैवी गेमिंग भी स्मूथली कर पाएंगे, और इस फोन में आपको डुअल क्रायो वेलोसिटी वेपर कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो हीटिंग मैनेज करने के लिए काफी अच्छा है। इसके कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी का लाइट या 808 सेंसर यूज किया गया है, और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX581, और ये दोनों कैमरा सेंसर टॉप नॉच क्वालिटी लेके आते हैं। इसके अलावा इसमें 4th Gen Hasselblad की कोलैब देखने मिलती है, जो इसके कैमरा डिपार्टमेंट में तगड़ा काम करती है, और फ्रंट कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है, और इसमें भी सोनी का सेंसर यूज किया गया है। डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें क्वाड एसडी प्लस प्रो एक्सडीआर 6.82 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आप मूवीज या कोई भी कंटेंट देखते हैं क्वालिटी इसमें तगड़ी मिल जाती है। इसके अलावा ये डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट HDR10+ के सर्टिफिकेशन डॉल्बी विजन और 4500 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, और इस डिस्प्ले में आपको एक्वा टच भी देखने मिल जाता है, जो रेनी सीजन के लिए काफी यूजफुल फीचर है। बैटरी की बात करें, तो इसमें 5400mAh की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग ये फोन 100W की लेके आता है। इसके अलावा इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और बेसिक चीजों की बात करें, तो इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने मिल जाती है, और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ भी आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ जाते हैं, तो ये फोन आपको इजीली 70,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है वीवो X100 स्मार्टफोन। गाइस, कैमरा पर्पस से वीवो का ये फोन इस बजट में मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें आपको कैमरे की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसमें मिल जाता है MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर, जो कि MediaTek का लेटेस्ट और फ्लैगशिप चिपसेट है। तो मल्टीटास्किंग और गेमिंग करने में इस फोन में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस फोन में एक V2 चिप भी देखने मिलती है, जिसमें एक एडवांटेज है, क्योंकि ये चिप कैमरे की क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस एनहेंस करने के काम आती है। तो इसके कैमरे की बात करें, तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन में कैमरा जायस की कोलैब के साथ मिलते हैं, तो फोटोग्राफी में ये फोन तगड़ा परफॉर्म करने वाले, और वीवो की ये सीरीज कैमरे में भी बेस्ट काम करती है,
और सेल्फी कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 3000 निट्स की मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000 mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 120 वाट की मिल जाती है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें IP68 की रेटिंग और एंड्रॉइड वर्जन 14 भी मिल जाता है, जो फ्रंट टच OS पर बेस्ड है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 70,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन iPhone 15। गाइस अगर आपको तगड़ी कैमरा क्वालिटी के साथ किसी एप्पल डिवाइस को लेना हो तो आप iPhone 15 को ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छी मिलती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है Apple A16 बायोनिक 5G चिपसेट, जो कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से आप 24fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। डिस्प्ले की बात करें इसमें 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आप कंटेंट देखते हैं तो कलर्स काफी क्लियर मिलने वाले हैं। बैटरी अपडेट की बात करें तो ये फोन 3349 mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें 20 वाट की मिल जाती है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो ये फोन अभी भी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है, और इसमें IP68 की रेटिंग, 2000 निट्स ब्राइटनेस और iOS वर्जन 17 देखने मिल जाता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 67,000 में ही मिल जाता है।